40-50 हजार रुपए तो आप आसानी से ऐसे ही कमा सकते हो। एससी की ताकत को पहचानो, वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, आप अपने फील्ड के मास्टर बनो। तो इंडिया में ना यार आपको फ्री की एडवाइस देने वाले लोग मिल जाएंगे और डीमोटिवेट करने वाले मिल जाएंगे। अब कैसे डीमोटिवेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, जनरली जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने लाइफ में थोड़ा कुछ कर चुका है, वो थोड़ा बहुत कमा रहा है, और दूसरा अगर आपके पड़ोस में से कोई व्यक्ति आता है उठ के और आपसे पूछता है यार आप क्या कर रहे हो बच्चे, तो आप क्या बोलते हो, भाई बीएससी कर रहा हूँ। तो बीएससी कर, अरे यार बीएससी क्यों कर लिया यार, बीएससी नहीं करना था यार तुम्हें, बीएससी की जगह यार कोई टेक्निकल कोर्स पकड़ लेते और कंपनी वंपनी में लग जाते यार, आसानी से जॉब लग जाती है थोड़ा, और आपको डीमोटिवेट कर देते हैं कि भैया आपने बीएससी किया तो किया ही क्यों, और आपकी बोलती हो जाती है वहाँ पर बंद। तो आज इस वीडियो में उन सभी लोगों के मुँह पर तमाचा पड़ेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आपने बीएससी की है तो कोई गलती नहीं की है मेरे भाई, तो गर्व से आप बोल पाओगे कि बीएससी की है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू करके दिखा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बीएससी के बहुत सारे फायदे बताऊंगा और बीएससी के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, किन किन लाइनों में जा सकते हो, तो वो सारी चीजें खुलकर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बीएससी आपने कर लिया है और बीएससी के बाद आपको डीमोटिवेशन हो रहा है कि यार अब मैं क्या करूं, बीएससी के बाद मैं आके एक स्टेज पे स्टक हो गया हूं, तो आपको स्टक होने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सोचना है। अब आपको ये सोचना है कि आपको किस लाइन में जाना है। जैसे मान लो आपने बीएससी कर लिया है, अब आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप बीएड कीजिए। बीएड के बाद आप एक टेस्ट होता है सीटेट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आयोजित करती है, अगर उस सीटेट को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। गवर्नमेंट में आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर मान लो बीएससी करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे एकेडमिक भी नहीं जाना है, मुझे मैनेजमेंट लाइन में जाना है, तो आप वहां से एमबीए भी कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप एमबीए की लाइन में कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज करके एक एमबीए आप कर सकते हो, उस एमबीए से मैनेजमेंट लाइन में जा सकते हो। एमबीए करने के बाद आपको एज अ मैनेजर ट्रीट किया जाता है, तो जो भी संस्थाएं होती हैं बड़ी बड़ी या फिर कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई कंपनी है, तो वहां पर एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट में आपको इनरोल किया जाता है एमबीए करने के बाद में, तो वहां पर आप जाके जॉब करते हो और एक हैंडसम सैलरी मिलती है, और दूसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा होता है, आपको स्किल्स मिलती हैं काफी अच्छी सीखने को, तो लाइफ आपकी काफी बेहतर हो जाती है एमबीए करने। एमबीए भी नहीं करना है आपको, बीएड भी नहीं करना, मतलब टीचिंग लाइन में भी जाना है, मैनेजमेंट लाइन में भी नहीं जाना है, तो उसके बाद भी आप जा सकते हो इंजीनियरिंग लाइन में। किसी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उस समय इंजीनियरिंग नहीं कर पाए थे, तो कोई बात नहीं, आप बीएससी के बाद भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली अगर आपने बीटेक में एनरोल नहीं कर पाए थे उस समय, तो कोई बात नहीं, आप बीएससी के सहारे भी आप जा सकते हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, 12th के बाद बीसीए कोर्स होता है, तो बीसीए से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हो और बीसीए के बाद आप एमसीए करते हो। अगर आपने बीएससी कर लिए और आप बीसीए नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर सीधे नहीं जा पा रहे थे एमसीए तक तो बीएससी के हेल्प से भी जा सकते हो, मतलब बीएससी के बाद भी आप एमसीए कर सकते हो। अब इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक ऑप्शन और भी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर आप सीधे अपनी लाइन में भी चलते हैं तब भी एक अच्छी सैलरी आप जनरेट कर पाओगे आगे चल के। आप कैसे जनरेट कर पाओगे, बीएससी कीजिए, बीएससी के बाद एमएससी कीजिए, एमएससी के बाद एक पेपर होता है नेट का, तो आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। अब नेट क्वालिफाई करते समय पूरे इंडिया से 100 बच्चे चूज किए जाते हैं जीआरएफ के लिए, तो अगर आपको जीआरएफ मिल जाता है यानी जूनियर रिसर्च फेलो, तो अगर आपको जीआरएफ मिल जाता है तो वहां पर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और जीआरएफ में आपको 60-70 हजार रुपए मिलते हैं साइंस साइड वाले बच्चे को, तो 60-70 हजार रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे रिसर्च करने के लिए, यानी आपकी स्टडी आपकी फ्री हो जाएगी, आपको पीएचडी कराई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पैसे भी दिए जाएंगे रिसर्च करने के लिए, तो आजीएम से आपका कुछ नहीं जाएगा बट आपकी पीएचडी भी हो जाएगी और जीआरएफ भी हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने पीएचडी भी कर लिया, तो पीएचडी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो क्रीम बच्चे होते हैं, यानी सबसे रियर ऑफ रियर बच्चे होते हैं जो उस लेवल तक पहुंचे होते हैं, तो इन पीएचडी वाले बच्चे को गवर्नमेंट कभी भी नहीं छोड़ती है, इन पीएचडी वाले बच्चों को कहीं ना कहीं फीड कर देती है, एज अ प्रोफेशन आपको वहां पर ट्रीट किया जाएगा। आप बीएससी के बाद साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप रिसर्च कीजिए
और एक हैंडसम सैलरी या हैंडसम पैकेज आप ले सकते हैं किसी भी संस्था से। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इमीडिएट जॉब की जरूरत होती है, उन्हें बीएससी के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो आगे स्टडी को कैरी ऑन कर सकें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी एक डिग्री कोर्स है ना कि डिप्लोमा कोर्स है, तो बीएससी की डिग्री की हेल्प से आप यूपीएससी के एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं, आप समूह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एसएससी के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मतलब जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो, रेलवे सेक्टर से हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज से हो, कहीं से भी हो, सभी में आप इनरोल कर सकते हैं, सभी परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं, आपको कोई भी निकाल नहीं सकता, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, हर हाल में आप हर जगह फीड हो सकते हैं। अब सोचिए आपकी गवर्नमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी गवर्नमेंट में जॉब नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। बीएससी वाले बंदे को कंपनीज ले लेती है, आप जाकर वहां पर इनरोल कर सकते हैं किसी लैब में, टेस्टिंग के लिए लैब में आप काम कर सकते हैं, आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं हो सकती है। अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में जाते हैं तो एक हैंडसम सैलरी मिल जाती है, अगर छोटी कंपनी में जाते हैं तो थोड़ी बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी आपको रिस्पेक्ट काफी अच्छी मिलती है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है, तो कहीं से कहीं तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब एक कंडीशन यह भी हो सकती है कि आपसे कुछ भी ना हो, ना आपसे गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, ना प्राइवेट जॉब हो रही है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपके पास ऑप्शन है जो और स्ट्रीम वालों के पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने बीएससी की है, यानी बीएससी की है तो बायो लिया होगा सब्जेक्ट, या फिर जूलॉजी लिया होगा, या बॉटनी लिया होगा, या मैथ लिया होगा, केमिस्ट्री लिया होगा, फिजिक्स लिया होगा, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो आपके पास होगा जो आपको आता होगा जब बीएससी करी है आपने। तो अगर आपने मैथ आती है तो मैथ की कोचिंग आप पढ़ा सकते हो, अगर आपको फिजिक्स आती है तो फिजिक्स की कोचिंग आप पढ़ा सकते हो, अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो केमिस्ट्री की, अगर बायो आती है आपको तो बायो की कोचिंग आप पढ़ा सकते हो। यानी अगर आपने छोटा सा भी ट्यूशन सेंटर खोल लिया या कोचिंग सेंटर खोल लिया तो 40-50 हज़ार रुपए तो आप आसानी से ऐसे ही कमा सकते हो। और लोग सोचते हैं यार डिप्लोमा कर लें, 10-15 हज़ार की जॉब लग गई तो उनसे लोग खुश रहते हैं, लेकिन घर बैठ के जो 40-50 हज़ार रुपए कमा लेगा उससे खुश नहीं होते, उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअल में 40-50 हज़ार तो बीएससी वाला अगर उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना जानता है तो यूं ही कमा लेगा। तो आपने बीएससी की है, बीएससी की ताकत को पहचानो, उस पर प्राउड फील करो। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बीएससी कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिए तो अब मैं क्या करूँगा यार, डिप्लोमा वाले हैं या टेक्निकल फील्ड वाले हैं, एमबीबीएस वाले हैं, वो ज़्यादा कमा लेंगे। भाई कमा लेंगे ठीक है, वो अपने फील्ड के मास्टर हैं, आप अपने फील्ड के मास्टर बनो, के पीछे पैसा खुद आने लगेगा, आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। ये था बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हो, बीएससी के बाद क्या क्या लाइन में जा सकते हो, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर तरीके से समझा दी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना, उस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाकर पूरी डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।